Dear friends, जैसे कि आज मैं आया हूँ महाराष्ट्र के विरार में जीवदानी माता का दर्शन करने के लिए और मेरे साथ आया है तक्ष। आज इसने भी सीढ़ी चढ़ा है, सही में वीडियो में देख लेना। और 1300 सीढ़ियाँ है इधर। हाँ, रोप वे भी आप यूज कर सकते हो, रोप वे जो कि आपको डायरेक्ट मंदिर तक पहुँचाता है। लेकिन मैं सोचा अगर इतनी आसानी से पहुंच जाए माता के मंदिर में तो शायद खुश नहीं होंगे वो, तो इसके वजह से मैं आज 1300 सीढ़ियाँ चढ़ के आया, जो कि ज़रूरी है। थोड़ा एक्सरसाइज भी बन था, कैलोरी भी अच्छा खासा बर्न हुआ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा शर्ट पूरा भीग गया है। और तक्ष भी एंजॉय कर रहे हैं, वो मेरे गोद, उसका वजन अभी है 6.6 kg 50 gram समथिंग। तो ठीक है, अच्छा लगा इसको लेके चलना, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस भी था मेरे लिए। तो आओ अभी चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। इतना तक पहुंच गए तो ये जो चीज़ें हैं, जब ज़्यादा भीड़ होती है तो ऐसा यहाँ पे लोग लाइन बाय लाइन करके आगे बढ़ते हैं। देखो मंदिर खाली है, आज फ्राइडे का दिन है। और हाँ, जीवदानी का मंदिर का माता का दर्शन करना है ना, सबसे अच्छा दिन ट्यूजडे और फ्राइडे, जब माता आपको ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। आई डोंट नो, चलो। आरती, अभी आरती शुरू हो गई, जल्दी आओ, हम लोगों का थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। देखिए कितने भीड़ है, कितनी भीड़ है। अभी लाइन में शामिल हो जाओ। Let's go.
बलिदान पड़ी है, फूंक के अपना देश आग जो सेक रहे हैं, हर उनका संघार वतन जो बेच रहे हैं। कई शुम निशुम मारे तूने, कई देते यहाँ जन्मे है फिर, ए माँ अम्बे त्रिशूल को ले तून पे बिजली बन के गिर, अष्ट बुझाए वैसी अनोखा फड़क देख है तेरी शोभा, तेरे जैसा कोई न होगा, माँ अब आंखें खोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी हो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी हो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी हो। यहाँ पे लोग पैसा चिपका के अपना मनोकामना पूरा करते हैं, तो लोग कर रहे हैं, तो मैं भी ये कृपया लेके जा रहा हूँ, देखता हूँ ये चिपकता है कि नहीं चिपकता। अभी 1300 सीढ़ियाँ जो चढ़ के हम लोग ऊपर आए, अभी नीचे उतरते वक्त 1300 होगा या 1200 होगा वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी उतर के जाना है। तो खाली पैर, रास्ता इतना भी खराब नहीं, दर्शन करने के लिए आप लोग आ सकते हो। और थोड़ा सा तकलीफ तो वो बनता है ना वहाँ के दर्शन के लिए, तो इसके वजह से थोड़ा बारिश हुआ होगा तो रास्ता थोड़ा खराब है, इधर थोड़ा चुभता है हाँ, लेकिन उतना भी नहीं चुभेगा, ज़्यादा दर्द वर्द कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। हाँ, हवा मस्त है, थकावट दूर हो जाएगी, उतरते टाइम पे थकावट सारा खत्म। शायद पुरोहित लोगों का, पंडितों का घर होगा, पुरोहित लोगों का बंगलोस। तो देखो बहुत ही अच्छा सीनरी है, बंद कर दे, बाद में देखते रहो।
ऊपर चढ़ना आसान है लेकिन नीचे उतरने के टाइम पे ज्यादा सावधानी की जरूरत है। कैसा लगा जीवदानी दर्शन करके? लास्ट तो दर्शन करने के बाद अभी हम लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए। तो हमारे खाने में इधर सिंपल सा लिया है पूरी भाजी एंड शेजवान राइस बस। तो अभी अभी मुझे पता चला है कि रोप वे जहाँ पे बैठ के लोग चले जाते हैं वो अभी बंद है। 200 रुपीज़ चार्जेस है शायद अप डाउन का, लेकिन वो अभी बंद है। अगर बड़े बुजुर्ग आते हैं तो अभी इधर मत आइए। हाँ, पैदल सीढ़ी चढ़ के जो लोग चढ़ सकते हैं वो लोग आ सकते हैं। मेट्रो बंद है, काम चालू है जो मैंने दिखाया अभी वीडियो में। तो जीवदानी माता का दर्शन अभी खत्म हुआ। हमारे साथ है लिपिका देवी, ज्योतिका कश्यप और तक्ष। चलो जय माता दी, जय माता दी। बाय बाय।